आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को राज्य कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर 11% बढ़ा दिया है। इस निर्णय पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी कैबिनेट के सदस्यों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए, फैसला स्वागत योग्य है। वहीं कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड की सुविधाओं को लेकर की जा रही मांग पर कैबिनेट में प्रस्तावना रखने से खपा सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, सोमवार को सचिवालय संघ गोल्डन कार्ड की होली जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। कैबिनेट द्वारा आज 11% डीए पर मोहर लगाने के लिए सर्वप्रथम सचिवालय संघ की तरफ से लंबे संघर्ष के बाद, चूँकि भारत सरकार में ये लागू हो चुका था और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू करना था, और देर आए दुरुस्त आए की कहावत आज चरितार्थ हुई और कहीं ना कहीं लंबे समय से कर्मचारियों में 11% डीए की जो आस लगी थी आज पूर्ण हुई है और कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार और तमाम कैबिनेट के हमारे माननीय मंत्रीगणों का आभार। लेकिन साथ साथ इस बात का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो वादा किया गया था उसको निभाने में आज कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी कहीं नाकाम हुए हैं, और सचिवालय संघ को जो एक वादा उन्होंने किया था कि हम इसको अगली कैबिनेट में यहाँ लेके आएंगे, लेकिन गोल्डन कार्ड पर जिक्र तक वहाँ नहीं हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हम लोग जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और जिस तरह से गोल्डन कार्ड को लेकर तमाम कर्मचारी पेंशनर्स उनके परिवार के लोग त्राही त्राही मान है और लगातार पैसा कट रहा है जनवरी से, उसके बाद भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बातें केवल हवाई साबित हुई हैं, और आज कैबिनेट में उस मुद्दे को ना रखकर माननीय मंत्री जी ने ये बता दिया कि केवल माननीय मंत्रीगण लोग केवल झूठ का पुलिंदा अपना बनाते हैं, कर्मचारियों को केवल उनके मन से खेलने का काम करते हैं। और आज इस जो भी वादा खिलाफी हुई है इसको लेकर सचिवालय संघ में गहरा आक्रोश है। सोमवार के दिन, क्योंकि अगला कार्य दिवस सोमवार को है, सोमवार के दिन 11 बजे सचिवालय परिसर में इस गोल्डन कार्ड की जो हमारे प्रतिकूल जो शासन थे उसकी होली जलाई जाएगी, और एक गर्माहट का माहौल क्रिएट किया है स्वास्थ्य मंत्री जी के इस वादा खिलाफी के खिलाफ। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने वादा किया और वादा को पूरा नहीं किया, और सचिवालय कर्मचारी अधिकारी और तमाम हमारे कर्मचारियों में ये आक्रोश व्याप्त है, और इस आक्रोश के लेके हम 11 बजे सोमवार को यहाँ एक होली जला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग गोल्डन कार्ड को लेकर करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।